द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले जब ओडिशा के सिमगो में 36 मौजा के आदिवासी ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मना रहे थे, तब अचानक पुलिस आती है और कुछ देर बाद अंधाधुंध इनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, जिनमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार माने तो 39 आदिवासियों के मारे जाने की और 50 आदिवासियों के घायल होने की पुष्टि की गई, पर वास्तविक संख्या इससे बहुत ज़्यादा थी। सरकारी रिपोर्ट में इस प्रकार कम संख्या दिखाना कोई नई बात नहीं है, पर ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि खुशियां मनाते निर्दोष आदिवासियों पर गोली चलानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी झारखंड बनने की। इसमें हम झारखंड आंदोलन से संबंधित उन गोलीकांडों की चर्चा करेंगे जिनमें शहीद हुए लोगों को हम में से अधिकांश लोगों ने भुला दिया है। इन शहीदों के बारे में जानकर हमें यह तो एहसास हो ही जाएगा कि 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड अस्तित्व में आया उनमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। आज हम लोग 25 अप्रैल 1939 को हुए सिमगो गोलीकांड के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि सिमगो वर्तमान में ओडिशा में है, फिर भी ये झारखंड आंदोलन से कैसे संबंधित है। तो सिमगो आंदोलन से संबंधित तथ्यों की हम लोग चर्चा करें, इससे पहले हम लोग सिमगो की अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया, यह घटना 1939 का है और उस दौरान हमारे देश में कई छोटे बड़े देशी रियासत मौजूद थे जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते थे। ऐसा ही एक देशी रियासत था गांगपुर स्टेट, जो रानी जानकी के अधीन था। इसी के अंतर्गत सिमगो क्षेत्र आता था, जो वर्तमान में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में पड़ता है। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये जो क्षेत्र है झारखंड ओडिशा के सीमा पर स्थित है। इसकी अवस्थिति को समझने के बाद अब हम लोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम लोगों को सन 1936 में जाना पड़ेगा। तारीख था 1 अप्रैल 1936 और इस दिन बिहार का बंटवारा कर ओडिशा नामक एक नए राज्य का गठन किया गया और सिमगो को विभाजन के बाद ओडिशा के अंतर्गत ही रखा गया। अभी तक सिमगो के आदिवासी किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहे थे। विरोध तो प्रारंभ होगा मालगुजारी के बढ़ाने पर। तो जैसा कि नया राज्य का गठन हुआ तो ओडिशा में इंद्रविलास मुखर्जी के नेतृत्व में भूमि बंदोबस्ती का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। नई बंदोबस्ती के बाद मालगुजारी अर्थात टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया गया। दरअसल ये पूरा इलाका अर्थात सिमगो का पूरा इलाका बिहार के अधीन आदिवासी बहुल इलाका के अंतर्गत आता था, अतः इसमें सीएनटी एक्ट 1908 की धाराएं लागू थी। यदि सीएनटी एक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा बहुत जानकारी के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के उपरांत बिहार, बंगाल, ओडिशा में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त होता है। दीवानी अधिकार प्राप्त होने का मतलब है कि यहाँ से जो टैक्स वसूला जाएगा वो अब अंग्रेजों के द्वारा वसूला जाएगा। जैसे ये अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त होता है, वे टैक्स का जो रेट होता है उसको लगातार बढ़ाते जाते हैं और आदिवासी के परंपरागत भूमि को भी छीनने का प्रयास करते हैं। न केवल अंग्रेज, जो बाहरी व्यक्ति जिसे आदिवासी दीकू के रूप में संबोधित करते थे, वे भी उनके जमीन को और परंपरागत जमीन को ही छीनने का प्रयास कर रहे थे और इसी के खिलाफ यहाँ आदिवासी एकजुट होते हैं और कई उग्र विद्रोह भी करते हैं, जिसमें बिरसा मुंडा का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है बिरसा मुंडा ने जो शहादत दिया 1900 में, उसी का ये परिणाम हुआ सीएनटी एक्ट 1908 लागू होना। तो सीएनटी एक्ट 1908 जब लागू होता है तो आदिवासियों को उनके जमीन में से संबंधित कई अधिकार प्रदान किए गए और परंपरागत उनकी भूमि बची रही इसका भी प्रयास किया गया। चूँकि भूमि को लेके ही विद्रोह होता था तो अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह का और कोई विद्रोह ना हो और इसीलिए सीएनटी एक्ट की धारा लागू की गई थी छोटा नागपुर में। ये इतना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में झारखंड में भी ये अभी भी लागू है। तो इस तरह से जब ओडिशा में सिमगो क्षेत्र चला गया तो सीएनटी एक्ट से मिलने वाले जो लाभ थे उससे सिमगो के आदिवासी वंचित हो गए और विद्रोह का जो प्रारंभ होता है वो यहीं से होता है। जब आदिवासियों पर अचानक टैक्स बढ़ा दिया गया तो आदिवासी ने निर्मल मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह करने का मन बनाया। विद्रोह उग्र होने का और एक कारण था उस साल अकाल का पड़ना, यानी दोहरी मार वो लोग झेल रहे थे। एक तो मालगुजारी बढ़ा दिया गया और दूसरा ही उसी समय अकाल भी आ गया। आदिवासी में से अधिकांश जो थे वो किसान थे और इसलिए ये आदिवासी किसान चाहते थे सीएनटी एक्ट के तहत इन्हें जो अधिकार मिल रहे थे उन्हें पुनः बहाल किया जाए और खुटकती अधिकार भी बहाल किया जाए और बढ़ा हुआ टैक्स को वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर 36 मौजा के आदिवासी एकजुट हो रहे थे और इस प्रकार निर्मल मुंडा के नेतृत्व में एक टीम बना
जिसमें जयपाल सिंह मुंडा जैसे प्रमुख आदिवासी नेता भी शामिल हुए। इन लोगों ने वायसराय तक अपना विरोध जताया। उस समय तात्कालीन वायसराय लिथगो थे। वायसराय को वर्तमान राष्ट्रपति के समकक्ष हम लोग समझ सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार के भारत में सर्वोच्च प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते थे। इस बात से गांगपुर राजघराना काफ़ी नाराज था। इसी बीच आदिवासी को वायसराय की ओर से यह खबर भेजी गई कि उनकी मांगों को गांगपुर राजघराने द्वारा मान लिया गया। ये एक बहुत बड़ा जीत था। इसी घोषणा और ये भी कहा गया कि इसकी घोषणा स्वयं रानी करेगी। इस खबर से आदिवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और 25 अप्रैल 1939 को सिमगो में वही 36 मौजा के लोग जो विरोध के लिए एकत्रित हुए थे, अब खुशी मनाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ निर्मल मुंडा के घर के सामने एकत्रित होते हैं। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्थिति अचानक बदल गई। वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और उसने पूरे गाँव को घेर लिया। वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट जोफ्टन विफो आए और निर्मल मुंडा को खोजने लगे, क्योंकि वही इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। वे निर्मल मुंडा को खोजते खोजते उनके घर पहुंचे और घर में घुसने के प्रयास करने लगे। इसी बीच उनका सिर निर्मल मुंडा के घर के दरवाजे से टकरा गया। उन्हें चोट लगी और टोपी गिर गई। इससे विफो गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने तुरंत फायरिंग का आदेश दे दिया। वहां लगातार फायरिंग होती रही। आधिकारिक तौर पर तो 39 आदिवासी के मारे जाने के और 50 आदिवासी के घायल होने की पुष्टि की गई, पर नन ऑफिशियल डाटा जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है उसमें 49 लोगों को शहीद माना गया है, जिसमें 42 तो ऑन स्पॉट वहीं पे शहीद हो गए, 4 जेल में शहीद हुए और 3 को जंगल में भागने के दौरान मारा गया। और इस प्रकार 100 व्यक्ति को घायल के रूप में भी यहाँ पे पुष्टि की गई, लेकिन ये जो डाटा है वो नन ऑफिशियल है। इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि ये गुस्से के कारण उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया था या फिर फायरिंग पूर्व नियोजित थी। फायरिंग के बाद सौओं को वाहन में लादकर पहले वीर मित्रपुर के चूना भट्टा में डालने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां प्रबंधन ने जब इसकी इजाजत नहीं दी तो 52 में इसे गाड़ दिया गया। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने कितना बड़ा अत्याचार आदिवासियों के ऊपर किया था। अब हम लोग देखते हैं विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो जब ये गोलीकांड संपन्न हो गया, उसके बाद जब गांधी कलकत्ता के दौरे में थे तो उन्हें धनंजय जी ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया, जिससे गांधी जी बहुत हैरान हुए। जवाहरलाल नेहरू और लक्ष्मी नारायण मित्रा सिमगो का दौरा भी करना चाहते थे, पर उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया। निर्मल मुंडा की गिरफ्तारी कर इस विद्रोह को दबा दिया गया और उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन 1945 में उन्हें मामले से बरी करते हुए रिहा कर दिया गया। और जब देश आज़ाद हुआ तो 1957 से 1961 तक वे उड़ीसा विधानसभा के सदस्य भी रहे। वे झारखंड पार्टी से विधायक भी चुने गए थे और इस प्रकार 1972 को ही इंदिरा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया गया। निर्मल मुंडा अपने जीवन काल में डायरी लिखा करते थे और इस डायरी में उन्होंने कई रोचक घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें एक घटना जयपाल सिंह मुंडा और गांगपुर की रानी से संबंधित है। उन्होंने अपने डायरी में जिक्र किया है कि गांगपुर की रानी जब वायसराय से मिलने के लिए गई तो जिस समय रानी को समय दिया गया था वायसराय से मिलने के लिए, वही समय जयपाल सिंह को दिया गया था, अर्थात दोनों को एक ही समय दिया गया था। यहाँ यह बताया गया है कि रानी जयपाल सिंह मुंडा को पहचानती नहीं थी। वायसराय से जब रानी बात कर रही थी तब वायसराय को रानी कहती है कि जब तक जयपाल सिंह मुंडा को जेल नहीं भेजा जाएगा गांगपुर का आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्हें ये पता नहीं था कि उनके बगल में जो बैठे हुए हैं वो जयपाल सिंह मुंडा ही हैं। और इस प्रकार रानी के बोलने के बाद वायसराय उनसे कहते हैं कि सामने बैठे हैं जयपाल सिंह मुंडा, अगर पकड़ने की ताकत है तो पकड़ लीजिए। इसके बाद रानी को काफ़ी लज्जित होना पड़ा था। इसी प्रकार का एक और रोचक घटना वो अपने डायरी में करते हैं, जिसमें बताते हैं कि रानी जो है जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी को पैसा भेजा करती थी और आग्रह करती थी कि वे अपने पति यानी जयपाल सिंह मुंडा को आंदोलन से अलग रखें, परंतु उनका यह प्रयास भी बेकार रहा। एक और घटना का उल्लेख अगर हम यहाँ पे करें तो कहा जाता है कि निर्मल सिंह मुंडा जब वायसराय को पत्र लिखते थे तो डाक से ही राजघराना उसे गायब करवा दिया जाता था राजघराना द्वारा। इसीलिए कई बार निर्मल सिंह मुंडा
रांची आकर पोस्ट करते थे। तो इस तरह से परेशान किया जाता था आदिवासियों को, चाहे वो राजघराना हो चाहे वो अंग्रेज के द्वारा हो। तो इस तरह से इतना बड़ा गोलीकांड इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया, जिसमें अगर ऑफिशियल का भी अगर हम बात करें तो 39 लोगों के शहीद होने का यहाँ पे चर्चा किया गया है, या उसको स्वीकारा गया है कि 39 लोग इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। फिर भी इतिहास में उसको वो जगह नहीं मिला जो इसको मिल पाना था। और इस प्रकार निर्मल मुंडा की बहू एस डांग ने स्वेच्छा से ही 1994-95 में 1.5 एकड़ की जमीन बनाने के लिए ये दान दिया, और आज यहाँ पे स्मारक बना हुआ है जिसमें 25 अप्रैल को सिमगो के हजारों लोग यहाँ पे जुटते हैं और अपने नायक को याद करते हैं, और इस दिन मेला भी यहाँ पे एक तरह से लगता है। इस बात पर विवाद है कि गोलीकांड को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जाए, किसान आंदोलन से जोड़ा जाए या झारखंड आंदोलन से जोड़ा जाए, परंतु आप में अधिकांश को पता होगा 1939 में आदिवासी महासभा का गठन हो चुका था, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। साथ ही 1939 में ही हिंद पीढ़ी के बैठक में जयपाल सिंह मुंडा ने वृहद झारखंड की मांग की थी, अतः इसे झारखंड आंदोलन से जोड़ा जा सकता है, भले वर्तमान में शिमगो उड़ीसा में ही क्यों ना हो। इस प्रकार और भी कई गोलीकांड हुए जिनमें लोगों ने अपनी शहादत दी, परंतु उन्हें हम अधिकतर लोग भूल चुके हैं। तो इस तरह से जैसे आज सिमगो गोलीकांड के बारे में हम लोग चर्चा किए, उसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खरसावां गोलीकांड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे झारखंड का जालियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।